दोस्तों पिछले दो दिनों से ये शेयर हमको बहुत तेजी में देखने को मिल रहा है। देखिए अगर आज की मैं बात करूं तो अराउंड 14% ये तेज है, और कल भी दोस्तों अराउंड 14% ही ये हमको अब देखने को मिल रहा था। तो पिछले दो दिनों में ये शेयर देखिए 500 से बढ़ के 640 तक जा पहुंचा है, 28-29% के रिटर्न सिर्फ दो दिनों में। और दोस्तों जब मैंने इस कंपनी के बारे में पढ़ा तो दोस्तों ये सबसे बड़ा मल्टीबैगर निकला। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा मल्टीबैगर, अराउंड 2,00,000% के रिटर्न। देखिए मैं मैक्सिमम चार्ट इसका ओपन करता हूँ और 2003 की मैं बात कर रहा हूँ, 2003 में दोस्तों यहाँ पर ये 17 अक्टूबर से मैं ले रहा हूँ और आज की डेट तक मैं इसका रिटर्न कैलकुलेट करूँ तो देखिए 2,00,000%। 2,00,000% किसे कहते हैं दोस्तों, मतलब अगर आपने 100 रुपये भी लगा दिए होते तो यहाँ पर 2,00,000% मतलब 2,00,000 रुपये दोस्तों आपको यहाँ पर जो है बन चुके होते हैं 100,00,000 के। तो समझ सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा यहाँ पर एक मल्टीबैगर है ये। हालांकि जब मल्टीबैगर्स की हम नाम लेते हैं दोस्तों, टाइटन का नाम आता है, बजाज फाइनेंस का नाम आता है, और भी बड़े बड़े नाम आते हैं, लेकिन जब रिटर्न की बात हुई तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न मुझे इसी के देखने को मिले। और जिस सेक्टर को ये बिलोंग करता है दोस्तों उसमें ऑलरेडी बहुत बड़े मल्टीबैगर्स हैं जिसका नाम दोस्तों हर कोई लेता है और आपके पोर्टफोलियो में भी वो ज़रूर होंगे। और उनके साथ दोस्तों जब मैंने इसका रिटर्न का कैलकुलेशन किया तो रिटर्न में ये बहुत आगे देखने को मिला। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी ये कंपनी है, क्या ये प्रोडक्ट बनाती है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, टेक्निकल कैसे हैं, ये सब बात दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ और एक लर्निंग भी देने वाला हूँ आपको, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए कितना यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ा। देखिए ये उसी रेंज में देखिए कितने साल चलता रहा, करीब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने साल ये उसी रेंज में चलता रहा। और अगर मैं पिछले 5 साल की बात बताऊँ तो देखिए 2016 से लेकर 2020 तक देखिए ये शेयर ओनली 8% का जो है रिटर्न दे रहा था। और पिछले जब मैं बात करूं उसके बाद की तो देखिए पिछले 1 साल में दोस्तों ये 500% के रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों लर्निंग यही है कि पेशेंस रखिए दोस्तों, पेशेंस ही यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में। अगर अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी आपके पास है और आपने पेशेंस रखा है उसमें तो दोस्तों वेल्थ वहाँ पर 100% बनने वाली है। बस पेशेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर नॉलेज दोस्तों थोड़ी बहुत भी होगी ना तो चल जाएगा, लेकिन पेशेंस होना चाहिए। जैसा कि हमेशा मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि पेशेंस रखिए, रिवॉर्ड आपको हमेशा मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों 2,00,000% के रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी आपके सामने यहाँ पर विजिबल है। तो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों, क्या ये करती है, क्या इसका प्रोडक्ट है, कौन इसके कॉम्पिटिटर हैं, कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बातें दोस्तों इस वीडियो में करेंगे। तो पूरा देखिएगा वीडियो को, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों इस चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूँ। कंपनी का नाम है, जी हाँ दोस्तों, ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स लिमिटेड। तो एडहेसिव से आपने यहाँ पर आइडिया लगा लिया होगा दोस्तों, ये एडहेसिव सेगमेंट से है, मतलब अगर मोटा मोटा बोलूँ तो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से है। और एडहेसिव में दोस्तों आपको पता है बड़े नाम कौन से हैं, पिडिलाइट, जी हाँ दोस्तों ऑलरेडी एक मल्टीबैगर है, और एस्ट्रल, जी हाँ दोस्तों एस्ट्रल मल्टीबैगर है, पिडिलाइट है, ये ऐसे कंपनीज हैं जो ऑलरेडी एडहेसिव सेगमेंट में दोस्तों बहुत बड़े नाम है। और उनके आड़ में दोस्तों ज्योति रेजिन्स ने कितने बड़े रिटर्न दिए हैं आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो कंपनी का हम प्रोडक्ट बताऊं दोस्तों क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट है यूरो। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने इसका जरूर नाम सुना होगा यूरो 7000 से। तो ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये प्रोडक्ट है इनका। और दूसरे प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, देखिए WP 2-in-1 है, कुछ वाटर रेजिस्टेंस एंड एंटी टर्माइट्स भी ये बनाते हैं, Extreme 3 Ultra 5-in-1, PVC ग्लू। पिडिलाइट की जब बात करते हैं, फेविकॉल दोस्तों बहुत बड़ा नाम है, अभी उन्होंने हाल ही में दोस्तों उन्होंने एरल डाइट को भी एक्वायर कर लिया 100% स्टेक। जब एस्ट्रल की बात करते हैं तो एस्ट्रल ने भी दोस्तों यहाँ पर जो है बॉन्ड टाइट को खरीद लिया है, तो एस्ट्रल भी एडहेसिव में आ रहा है। तो ये बहुत बड़े नाम है ऑलरेडी। और ज्योति रेजिन्स दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप कितने मल्टी बैगर रिटर्न इसने जनरेट करके दिए हैं। और कहाँ कहाँ ये यूज़ आते हैं प्रोडक्ट, देखिए रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, इंडस्ट्रियल में, हर जगह यहाँ पर जो है सिंथेटिक वुड एडहेसिव्स काम आते हैं। और यूरो इसमें एक बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ दोस्तों, जब फेविकॉल की बात आती है, बॉन्ड टाइट की बात आती है, एरल डाइट की बात आती है, वहाँ पर दोस्तों यूरो का नाम भी आता है, लेकिन इसको कोई कंसिडर ज़्यादा नहीं करता, लेकिन रिटर्न आपके सामने है। तो अगर मैं बात करूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स की, तो मुझे एक चीज़ और पता चली इसमें। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ और इसमें मुझे नज़र आई सामने, वो थी दोस्तों इसका मार्केट कैप। इतने 2,00,000% के रिटर्न के रिटर्न जनरेट करने के बावजूद दोस्तों इसका मार्केट कैप अभी 224 करोड़ का है। मतलब कितनी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है, बहुत ही स्मॉल कैप भी या फिर माइक्रो कैप भी आप इसको कह सकते हैं, इतनी छोटी कंपनी। तो अभी भी कितना स्कोप बचा हुआ है इसमें दोस्तों, खुद आप आइडिया लगा सकते हैं। स्टॉक का पी देखिए 20 का है ओनली, इंडस्ट्री का पी 23 का, तो इंडस्ट्री के पी से भी सस्ती। और ROCE का नंबर देखिए दोस्तों जरा, 57.2%, 224 करोड़ का मार्केट कैप, 57.2% का ROCE, मतलब खुद दोस्तों आइडिया लगा सकते हैं क्या बेहतरीन यहाँ पर मैनेजमेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए आप 43.5, प्रमोटर होल्डिंग 49 की, डेट बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, प्लेजिंग बिल्कुल जीरो है, फ्री कैश फ्लोज हैं,
डिविडेंड भी 0.45 ये दे रही है, तो बहुत ही शानदार जानदार ये कंपनी है। अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ ईयर ऑन ईयर, देखिए 2009 से यहाँ पर डेटा है, तो 3 करोड़, यहाँ पर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी, देखिए 4 करोड़, 7 करोड़, धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता गया, फिर यहाँ पर 2015 में 26 करोड़, 2016 में 46 करोड़ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, सेल्स इनकी बढ़ रही है। लेकिन वही नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो यहाँ नेट प्रॉफिट कंपनी बिल्कुल भी जो है नहीं कमा पा रही, देखिए 0-0, 2016 में 1-2, फिर यहाँ पर बढ़ के देखिए 8 और 11। तो ये जो पीरियड था 2016 से 2020 तक, जो भी मैंने आपको चार्ट पे भी दिखाया था दोस्तों, वहाँ पर कोई ग्रोथ इसकी नहीं दिख रही थी, जब भी दोस्तों इसने ओनली 8% के रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके दिए थे, देखिए 2016 से लेकर 2020 तक। लेकिन पिछले साल की जब मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर दोस्तों गजब की ग्रोथ इसने दिखाई, 19 में 2 करोड़ से 2020 में 8 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया, और यहाँ पर मार्जिन्स भी बढ़े। देखिए पहले इनके मार्जिन्स बिल्कुल यहाँ पर जो थे रिस्ट्रिक्टेड थे, बिल्कुल कांस्टेंट थे, लेकिन मार्जिन्स देखिए 2019 से बढ़ के 16% हुए, फिर यहाँ पर देख लीजिए आप ट्रेडिंग 12 मंथ में 11, तो इसने जो जंप दिखाई है 540% की। तो यही है दोस्तों पेशेंस का खेल, कोई कंपनी आपको कई साल तक एक ही रेंज में दिखेगी, लेकिन कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नेगेटिव प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही, धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो दोस्तों भागेगी। HUL भी इसका एक एग्जाम्पल है, मैंने कई बार आपको दिया है। तो ये है दोस्तों इसके फंडामेंटल्स, शानदार फंडामेंटल्स, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न रेशोस, प्रॉफिट मार्जिन भी अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और EPS भी आप देखेंगे यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ रहा है। अब इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं दिखाता हूँ, देखिए लेटेस्ट मार्च क्वार्टर में आप देखिए प्रमोटर्स ने दोस्तों अपने शेयर यहाँ पर स्टेक बढ़ा लिए हैं, 48.03 से बढ़ाकर 48.98 कर लिए, मतलब प्रमोटर्स ने अपने स्टेक बढ़ाए, अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है ये, और नई FIIs हैं इसमें, नई DIIs हैं दोस्तों। 24 करोड़ का ओनली मार्केट कैप है, तो अभी दोस्तों इस पर नज़र ज़्यादा पड़ी नहीं है। तो दोस्तों ओवरऑल हम बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है, और बहुत ही शानदार ये इसके फंडामेंटल्स हैं, रिटर्न रेशोज हैं, और पिछले 10 साल में देखिए 55% CAGR से ग्रो हो रही है, 5 साल की बात करें 40% CAGR से ये कंपनी ग्रो हो रही है, मतलब बहुत ही दोस्तों मज़ा आ गया इस कंपनी को जब पढ़ा तो। और अगर टेक्निकल की बात करें तो देखिए पिछले 2 दिनों में दोस्तों यहाँ पर 14% एंड 14% 2 दिनों में इसने गजब के यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में चल रही थी है, उसको ब्रेक किया, ये था इसका कंसोलिडेशन जोन, एक मिनट मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो देखिए ये था इसका कंसोलिडेशन जोन, इसका ब्रेकआउट दिया है, और इसके बाद देखिए क्या गजब की तेजी देखने को मिली है, इसी रेंज में ये फंसा हुआ था कई टाइम से, मतलब फेब के आसपास से लेकर अभी तक, यहाँ पर देखिए 17-16 फेब से ये इसी रेंज में चल रहा था, और क्या गजब का यहाँ पर रनअप दिया है। तो ये है दोस्तों टेक्निकल चार्ट, अगर आपको इसमें बाइंग करनी है तो डेफिनेटली अभी आप रुक सकते हैं, अगर ये थोड़ा नीचे आए तो ज़रूर आप इसमें स्टैगर्ड वे में, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में इसको बाय कर सकते हैं दोस्तों। ज्योति रेजिंस बहुत ही शानदार मुझे लग रहा है यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स, अभी स्कोप इसमें बहुत बचा है, ओनली 200 करोड़ का मार्केट कैप है, 200-250 करोड़ का, तो समझ सकते हैं आप बहुत ऊपर यहाँ से जा सकती है दोस्तों। अगर आपको ये अपनी रिसर्च के बाद कंपनी अच्छी लगे तो ज़रूर इसमें आप जो है अपने ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर दोस्तों इस पर भी आप नज़र रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पूरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के साथ, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।